क्या आपको पता है कि फैक्टेक ने अभी तक यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है? और क्या आपको पता है कि फैक्टेक का घर कहाँ पर है? सो हेलो सब गाइस, मैं हूं गुंजन और आप देख रहे हैं साइंटिफिक जोन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका नाम है सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट राजेश कुमार। तो राजेश कुमार का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 2000 को, जहाँ उनके फैमिली में उनके मॉम, डैड और उनकी छोटी सिस्टर रहती है, जिसका नाम दीपिका कुमारी है। और उनके पास भी अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है दीपिका फैक्ट गर्ल। तो बचपन से ही राजेश को साइंस सब्जेक्ट से बड़ा लगाव था। उन्हें साइंस से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करूँ। और इसी सोच के साथ उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और अपनी पहली वीडियो 18 सितंबर 2016 को अपलोड कर दी। उनके वीडियो में उस समय उतने व्यूज नहीं आए, पर फिर भी राजेश रुका नहीं। उन्होंने यूट्यूब पर और वीडियोस अपलोड किया और 27 जनवरी 2017 को अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। सिर्फ यही नहीं, राजेश कुमार ने एक साल के अंदर ही अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए। उनका चैनल इंडिया का फर्स्ट चैनल बन चुका था, जिसने मात्र एक साल के अंदर ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। पहले वो अपने चैनल पर साइंटिफिक और मिस्टीरियस वीडियो डाला करते थे, पर अब उन्होंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें वो सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं। और पहले तो वो अपने वीडियोस को खुद ही एडिट करता था, पर अब उनके वीडियोस को एडिट उनके दोस्त रोहन शर्मा करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं कि राजेश कुमार का घर कहाँ पर है। तो राजेश कुमार का घर है वेस्ट बंगाल में। अब आप बोलोगे कि भाई तुम्हें कैसे पता? तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर उनके ऐप को सर्च करोगे और फिर नीचे आकर डेवलपर्स कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। आपको ये चीज़ साफ साफ दिख जाएगी कि फैक्टेक का घर वेस्ट बंगाल में ही है। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं राजेश कुमार के अर्निंग के बारे में। तो आप जो ऊपर एक बॉक्स देख रहे हो, वह है राजेश कुमार का मंथली अर्निंग। और आप जो ये नीचे वाला बॉक्स देख रहे हो, वह है राजेश कुमार का ईयरली अर्निंग। अगर हम इन दोनों को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तो ये कुछ इतना होगा जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। तो हमने राजेश कुमार के बारे में तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इनके चैनल के बारे में। तो अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो इनका चैनल 369 रैंक पर आता है और इनका चैनल इंडिया में 53rd रैंक पर आता है। इसी के साथ साथ व्यूज़ के मामले में इनका चैनल 2899 रैंक पर आता है और एंटरटेनमेंट के मामले में इनका चैनल 110 रैंक पर आता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, तो अब वक्त आ गया है वीडियो को ख़त्म करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन रखना, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।